स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं हायर मैथमेटिक्स फॉर बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूं, और मेरे वीडियोस आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे। और आपके जो कमेंट है उनको पढ़ के मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको फायदा दे रहा है। सो स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है टेलर सीरीज एक्सपांशन, मतलब टेलर सीरीज की हेल्प से कैसे हम फंक्शन को एक्सपांड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं जो वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनीज थ्योरम से हम कैसे फंक्शन को एक्सपांड करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, तो वो आप यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर वो देखेंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है लाइक आईआईटी जेएम सीएसआर नेट गेट या आईएएस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मेरा वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड है, वो भी यहाँ पे आई टिप पे जाके या मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे टेलर सीरीज के थ्रू फंक्शन को एक्सपांड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर। और स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो देट के आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो देखिए यहाँ पे टेलर थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए प्लस एच बी द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एच सच दैट इट कैन बी एक्सपांडेड इन द असेंडिंग पावर ऑफ एच एंड दिस एक्सपांशन बी अ डिफरेंशियबल ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसका प्रूफ हम यहाँ पे करेंगे, फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि मैं आपको थ्योरम से अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स से भाई, जब तक हम चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझेंगे तब तक उसकी कहानी भी समझ में नहीं आती। और मैं मैथ्स पढ़ने का तरीका भी समझा देता हूँ, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, जब भी मुझे कोई थ्योरी समझ में नहीं आती थी तो मैं उसके एग्जाम्पल को समझता था, फिर एग्जाम्पल से समझ के उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसी अप्रोच से यहाँ पे वीडियोज़ को पढ़ाता हूँ और अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे एफ ए प्लस एच, हम ये लेंगे ए जीरो प्लस एच ए वन प्लस एच स्क्वायर ए टू प्लस एच क्यूब ए थ्री, ये हमने कोई यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे एफ डैश ए प्लस एच विथ रेस्पेक्ट टू, मैंने क्या किया एच किया है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू एच किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ आएगा ये ए वन प्लस टू एच ए टू प्लस थ्री एच स्क्वायर ए थ्री, ऐसा चलता रहेगा। देन इसको हमने एक और बार डिफरेंशिएट किया तो ए प्लस एच डबल डैश इज इक्वल टू, ये हट जाएगा, ये आएगा टू ए टू प्लस सिक्स एच ए थ्री, मैं इसको एक टर्म और ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, एच फोर ए फोर, ये आएगा आपके पास फोर एच क्यूब ए फोर, देन ये आएगा ट्वेल्व एच स्क्वायर ए फोर। अब हम यहाँ पे एक कोड ले लेते हैं, चलो है ना, तो मैं यहाँ पे एक कोड ले लेता हूँ, क्या आएगा देखो एफ ट्रिपल डैश एच ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टू ए तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिक्स ए थ्री प्लस ये आएगा ट्वेंटी फोर एच ए फोर, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो भी हमने वैल्यू निकाली इसके अंदर यहाँ पे करते हैं पुट h इज इक्वल टू जीरो, हम h की जगह क्या लिखते हैं जीरो रखते हैं। तो मैं इसके अंदर फर्स्ट में ये इक्वेशन नंबर वन है, ये टू मान लीजिए, ये थ्री मान लीजिए, ये फोर मान लीजिए, है ना, तो हमने h की जगह जीरो पुट किया, तो h की जगह जीरो पुट किया तो जो फर्स्ट है उसमें क्या आएगा एफ ए, यहाँ पे h की जगह जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ आपके पास आएगा ए जीरो, फिर सेकेंड में हम h की जगह जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू कितनी आएगी, चूंकि हमने यहाँ पे जीरो पुट किया तो यहाँ आएगा हमारे पास ए वन, देन एफ डबल डैश ए, इसमें एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा टू ए टू, है ना, और तो मैं इसकी बात यहाँ पे ए टू की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा एफ डबल डैश ए अपॉन टू। सिमिलरली हम नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएगा सिक्स ए थ्री, या फिर मैं इसको लिखता हूँ तो ए थ्री इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश है, और स्टूडेंट जिस सिक्स है इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास थ्री फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ टू फैक्टोरियल। इसी टाइप से जब आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे आप, है ना, सिमिलरली तो ये आएगा ये n फैक्टोरियल
ए थ्री ये आएगा ए एन इज इक्वल टू मतलब ए एन इज इक्वल टू ये आएगा एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल ठीक है। इन सब की वैल्यूज उठा के आप कहाँ रखेंगे यहाँ पे रखेंगे है ना इसमें ओके जो आपने लिया है इसके अंदर इक्वेशन नंबर वन में आप पुट करेंगे है ना। तो जैसे आप इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास ए ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो की वैल्यू आपके पास आ रही एफ ए प्लस यहाँ पे ए वन की वैल्यू आ रही एफ डैश ए तो आएगा एच एफ डैश ए प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है किसकी वैल्यू आ रही है देखो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ए टू की वैल्यू हमारे पास आ रही है एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन टू फैक्टोरियल दैन ये आएगा एच क्यूब ट्रिपल डैश ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल। इस तरह से ये हमारे पास क्या आता है टेलर सीरीज आता है। देखो यही टेलर सीरीज का क्या है स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है उस स्पेशल केस को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे लेट h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मैं पुट करूंगा या फिर मैं इसको ऐसा रख दूँ कि जहाँ पर भी ये a प्लस एच है आप ये लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना। ये जो a प्लस एच है इसकी जगह आप क्या रख दीजिए x रख दीजिए एटम्पलाइज मैं यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ पे x माइनस ए आ जाएगी तो जहाँ पर भी a प्लस एच है वहाँ x रख दीजिए आप तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये तो एज इट इज रहेगा है ना। जहाँ पर h है वहाँ कितना आ जाएगा x माइनस ए अपॉन वन फैक्टोरियल ले लो इसको है ना इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का टू अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं हमारा आंसर आता है। और स्टूडेंट देखो जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है आपने इससे पहले मैंने आपको बताया मैक्लॉरिन अगर आपको वो निकालना तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे ए की जगह जीरो पुट कर दीजिए पुट ए इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही ए की जगह जीरो पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी टर्म एफ एच इज इक्वल टू एफ जीरो है ना इज प्लस क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा एच अपॉन एफ डैश जीरो है ना एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश जीरो है ना। तो ये अल्टीमेटली ये होती क्या ये कौन सी सीरीज होती है मैक्लॉरिन सीरीज होती है। तो यहाँ पे एच की जगह आप एक्स रख दीजिए देखो वहाँ पे एक्स हुआ करता था यहाँ एक्स आ जाएगा ये है ना ये एक्स आ जाता है क्लियर है। तो ये हमारी क्या होती है मैक्लॉरिन सीरीज होती है। तो अल्टीमेटली टेलर सीरीज और ये आपस में कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ बताया प्रूफ से हम कैसे यहाँ पे टेलर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं देन उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किस तरह से इसको पॉइंट पे सीरीज निकालते हैं ठीक है। और ए इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो मैक्लॉरिन सीरीज आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपांड लॉग साइन एक्स इन अ पावर ऑफ एक्स माइनस टू बाय द टेलर्स थ्योरम। तो टेलर थ्योरम के दो स्टेटमेंट है और लास्ट में मैंने स्पेशल केस ये बताया था नॉर्मली हम यही यूज करने वाले हैं है ना। तो ये यूज कैसे करते हैं वैसे नॉर्मली हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस टू यू लिखते हैं वैसे ये a प्लस एच होता है ना। तो हम इसको लिखते हैं देखो a प्लस एच होता तो हमारी थ्योरम क्या होती है एफ ए याद है ना। तो ये a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर h माइनस h अपॉन वन फैक्ट ये a होता है ये h होता है ना अपॉन वन फैक्टोरियल याद है ना इंटू यहाँ पे एफ डैश 2 आएगा प्लस x माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन एफ डबल डैश a है ना फिर x माइनस टू का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल ये a की जगह 2 आएगा ट्रिपल डैश 2 है ना। इस तरह से ये चलता रहता है ना और अल्टीमेटली ये 2 से 2 कैंसिल होकर अल्टीमेटली बन तो क्या जाएगा ये fx ही बन जाएगा है ना बनेगा क्या यहाँ पे fx ही बनेगा है ना। तो ये a प्लस एच है तो एफ ए प्लस एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ए है ना तो वही है और वो स्पेशल क्लास है ये समझ लो तो भी समझ में आ जाएगा आपको ना। अब देखिए यहाँ पे fx इज इक्वल टू कितना रखा है लॉग साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना लॉग साइन एक्स का कितना होता है कॉट एक्स है ना वन अपन साइन और साइन का होता है कॉस तो ये कॉट एक्स आ जाएगा देन एफ डबल डैश एक्स कितना होता है देखो यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है देन हम क्या करेंगे वापस ट्रिपल डैश निकालेंगे तो ट्रिपल डैश करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखो माइनस का टू कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा है ना। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है टू की निकालनी तो जहाँ पर एक्स है वहाँ टू रख दीजिए कितना आएगा यहाँ पे लॉग साइन टू फिर यहाँ पे आएगा ये एफ डैश टू ये आएगा कॉट टू है ना फिर यहाँ निकालेंगे एफ डबल डैश टू तो कितना आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर टू एंड देन एफ ट्रिपल डैश टू कितना आएगा माइन टू कॉसेक स्क्वायर टू कॉट टू इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा देखो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका एफ टू की वैल्यू कितनी आ रही लॉग साइन टू प्लस
x माइनस टू अपॉन वन फैक्टोरियल, है ना, ये कितना आएगा आपके पास cot 2 प्लस x माइनस टू अपॉन का फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना, कितना आएगा देखो ये माइनस का cos x स्क्वायर 2 प्लस x माइनस टू का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू cos x स्क्वायर 2 cot 2, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सपांड करते हैं। तो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, उससे और समझ में आएगा। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपांड टेन इनवर्स एक्स इन द पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाय फोर बाय टेलर्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, टेन इनवर्स एक्स को एक्स माइनस पाई बाय फोर के फॉर्म में करना है। तो हम जानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाय फोर, है ना, इसको आप ऐसा लिख दीजिए। तो ये ए प्लस एच हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एफ ए प्लस क्या आएगा एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। नाउ देखिए एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, देन एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, है ना। तो क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका कर देंगे यहाँ पे टू एक्स, है ना, ऐसा चलता रहेगा ये, है ना। फिर नेक्स्ट में थर्ड में यू अपॉन वी से कर देंगे, क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, एफ पाई बाय फोर रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है ना, तो टेन इनवर्स पाई बाय फोर कितना होता है, वन होता है, दैट इज इक्वल टू वन। फिर हम यहाँ रखेंगे एफ डैश पाई बाय फोर, है ना, इसके अंदर, तो जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे पाई बाई फोर, तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन प्लस पाई स्क्वायर, है ना। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, है ना, ये आएगा एफ डैश डबल डैश पाई बाई फोर, तो ये आएगा आपके पास पाई बाई फोर रखोगे तो ये आएगा टू पाई बाई फोर, बाद में रखेंगे वैल्यू, है ना, माइनस का वन प्लस ये आएगा पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन का होल स्क्वायर, है ना। तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा टू, और ये बचेगा माइनस का पाई बाई टू वन अपॉन, है ना, सिक्सटीन प्लस पाई स्क्वायर बाय, और ऊपर जाके सिक्सटीन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो ये आएगा 256 डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो 16 इंटू कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का पाई अपॉन ये आएगा 16 अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156, तो 256 का जो आधा होता है वो होता है हमारे पास 128, है ना, तो 128 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 128 पाई, है ना। अब ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, है ना, तो इसके अंदर ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये कैंसिल हो रहा पाई बाई फाइव, सॉरी ये आएगा तो एफ एक्स के बराबर ही, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप, कितना आएगा यहाँ पे, ये टेन इनवर्स एक्स, देन वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, पाई बाई फोर की वैल्यू वन है, प्लस का यहाँ पे कितना आएगा, ये x माइनस पाई बाय फोर अपॉन वन फैक्टोरियल, ये आएगा आपके पास 16 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर, माइनस का ये आएगा आपके पास x माइनस पाई बाय फोर का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये आएगा आपके पास 128 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका एक्सपांशन आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपांशन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बाय टेलर्स थ्योरम प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, एक्स प्लस एच दे रखा है, तो आपको यहाँ पे देखो लॉग एच आ रहा है ना, ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे ए और एच स्टूडेंट लेते हैं, तो नॉर्मली हम ए इसको लेते हैं और एच इसको लेते हैं, पर यहाँ उल्टा करेंगे, हम ए इसको लेंगे और एच इसको लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास एफ एच प्लस क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए एच स्क्वायर, तो एच एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश एच प्लस क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एच इज इक्वल टू दिस। देखो अब समझने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे लॉग एच आ रहा है ना, तो एफ एच आ रहा है, तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको यहाँ पे ए किसको लेना और एच किसको लेना चाहिए ना। तो देखो नॉर्मली हमारी जो थ्योरम होती है वो इस तरीके से होती है, और हमारे पास एक थ्योरम और ये होती है, याद हो आपको जो स्टार्ट में थ्योरम होती थी x प्लस एच वाली, तो क्या होता था हमारे पास एफ एक्स प्लस यहाँ एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, इस तरह से होती थी, है ना। तो यहाँ पर इसको हम a लेते थे, इसको h लेते थे, या a प्लस एच ले लो, सबसे बढ़िया a लिया था इसको, ये a होता है, राइट।
पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम उल्टा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एच चाहिए, एच का फंक्शन चाहिए, है ना। तो ये हमारा ए रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, एच रहेगा ना, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सो एफ ए यहाँ पे फंक्शन क्या रखा है, एफ एक्स प्लस एच क्या रखा है, देखो एफ एच चाहिए अपने को, तो एफ एच हमारे पास क्या आएगा, लॉग एच आएगा, है ना। एक्स प्लस एच ये रखा है अपने को, एफ एच चाहिए, है ना, तो ये लॉग एच आएगा। नाउ क्या करेंगे, एफ डैश एच, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन एच, देन इसका एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का वन अपॉन एच स्क्वायर, फिर एक और बार करेंगे एफ ट्रिपल डैश एच, ये आएगा टू अपॉन एच क्यूब, है ना। इस तरह से आपके पास वैल्यू आती जाएगी, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे आप, तो क्या आएगा, देखो ये यहाँ रख देंगे यहाँ पे लॉग ए प्लस एच, है ना, सॉरी एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे एफ एच, एफ एच कितना आएगा मेरे पास, लॉग एच प्लस यहाँ पे ये एक्स ही आएगा, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, है ना, एफ डैश एच, एफ डैश की वैल्यू कितनी, वन अपॉन एच है, ये वन अपॉन एच आ जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एच की वैल्यू आएगी माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, ये आएगा माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, प्लस ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, देन ये वैल्यू आएगी आपके पास टू अपॉन एच क्यूब, इस तरह से हमारे पास चलेगा, ठीक है। नाउ उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आएगा लॉग एच प्लस एक्स अपॉन एच प्लस वन बाई टू, ये आएगा आपके पास एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर, और आगे माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस है, प्लस देखो यहाँ पे थ्री और टू, ये थ्री फैक्टर तो सिक्स आएगा, सिक्स से टू कैंसिल हुआ, तो ये आएगा वन बाई थ्री, ये आएगा आपके पास एक्स अपॉन एच का क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, बिल्कुल यही आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, पर प्लस स्टूडेंट यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो टेलर सीरीज पे पूछे जाते हैं, तीन से चार क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाला हूँ आपके साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो कंटेंट है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके दो पार्ट बना रहा हूँ, वैसे एक पार्ट में कर सकते हैं, बट लाइक मुझे लगता है कुछ और भी क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं आपको एक और वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो इसके बाद ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मुझे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास मिल नहीं पाता है, और आप समझ रहे होंगे क्योंकि इतने स्टूडेंट्स मुझे डेली क्वेश्चन पूछते हैं, तो समय का थोड़ा सा रहता है कमी, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, प्लस अनअकैडमी पे भी मैं एजुकेटर हूँ, वहाँ पे भी मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी रहता है, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। और स्टूडेंट अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लास्ट में जो वीडियोस हैं ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप मेरे पुराने जो भी पुराने कंटेंट वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।